15.8 एल्कीन और एल्काइन में समावयवता आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। C4H8 की संरचना बनाने का प्रयास कीजिए। इस संरचना में आप कौन से कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध बनाएंगे? द्विबंध जनक श्रृंखला में दो स्थानों पर संभव है, पहले और दूसरे कार्बन परमाणुओं के बीच चित्र क, अथवा दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच चित्र क्रमांक 9 ख। चित्र क्रमांक 9 क और ख। क ब्यूट डैश 1 डैश इन, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। ख ब्यूट डैश 2 डैश इन, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। दोनों संरचनाएं एल्कीन दर्शा रही हैं और दोनों का सूत्र C4H8 है। दोनों यौगिकों के द्विबंध की स्थिति में भिन्नता के कारण यह समावयवता उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे स्थिति समावयवता कहते हैं। स्थिति समावयवता भी श्रृंखला समावयवता के समान एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है। यहाँ दोनों यौगिकों का आणविक सूत्र एक ही है, किंतु संरचना में अंतर के कारण उनके गुण अलग अलग हैं और उनके नाम भी भिन्न हैं। चित्र क को हम ब्यूट डैश 1 डैश इन कहते हैं। इस नाम में पहला भाग सीधी मूल श्रृंखला में उपस्थित कार्बन दर्शाता है। इसके बाद एक अंक लिखा गया है जो अणु में द्विबंध का स्थान दर्शाता है, तथा इन यह दर्शाता है कि यह एल्कीन परिवार का सदस्य है। शब्दों और अंकों के मध्य लघु रेखा डैश होती है। इसी प्रकार चित्र ख को ब्यूट डैश 2 डैश इन कहते हैं। स्थिति समावयवता एल्काइनों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए C4H6 चित्र क एवं ख की दो सीधी श्रृंखलाएं संरचना बनाती हैं। क ब्यूट डैश 1 डैश आइन, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच। ख ब्यूट डैश 2 डैश आइन, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। ऊपर दर्शाई गई दोनों संरचनाएं स्थिति समावयवी हैं। उनके नामों में पहला भाग ब्यूट दर्शाता है कि अणु में चार कार्बन हैं और आइन दर्शाता है कि ये एल्काइन समूह के सदस्य हैं, तथा बीच का अंक त्रिबंध का स्थान दर्शाता है। किसी भी एल्काइन अथवा एल्कीन जिसमें कार्बन संख्या 4 या अधिक हो, उनमें स्थिति समावयवता संभव है।